हेलो दोस्तों, मैं अरिहंत। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो फ्री क्लास मैंने चालू की थी यूट्यूब पे, उसके अंदर एक और चैप्टर लेके आ गया हूँ। इनफैक्ट चैप्टर टू का लास्ट यूनिट है ये, यूनिट फोर, जो कि है फिस्कल पॉलिसी। मैंने 45 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दी है पूरी चैप्टर, विथ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, वो भी समझा दिया हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और उसके पहले प्लीज लाइक बटन हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक तो पूरा देखिए एंड कमेंट भी जरूर कीजिए, मुझे एंकरेजमेंट मिलेगी। जल्दी से स्क्रीन को फ्लिप करते हैं एंड ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि यूनिट फोर है चैप्टर टू के अंदर, यह है फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों, तीन यूनिट्स जो चैप्टर टू के थे वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन तीन में हमने देखा, वीडियोस में हमने देखा कि कैसे इकोनॉमी को गवर्नमेंट की जरूरत होती है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है, क्यों सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स नहीं चला सकते गवर्नमेंट एक इकोनॉमी को, क्यों गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, वो सब सब हमने देखा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी एक ओवरव्यू देता हूं क्या होती है। बेसिकली जो आप डिफरेंट पॉलिसीज देखते हो गवर्नमेंट जो निकालती है टाइम टू टाइम, टैक्सेशन पॉलिसी, योर इंडस्ट्री रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके और स्पेंडिंग कितना करेगी, जो बजट निकलता है, ये सब सब होती है फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की, टू रेगुलेट द मार्केट। ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी, आपके मार्केट में स्टेबिलिटी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट इकोनॉमिकली एंड अ फेलियर गवर्नमेंट इकोनॉमिकली के बीच में डिफरेंस यही होता है कि कितने लेवल तक उसने मार्केट को समझा है, फिस्कल पॉलिसी कितने मार्केट के अकॉर्डिंग उसने बनाई है एंड कितने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो होता है एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट की निशानी, एंड दैट इज वॉट डिटरमाइंस वेदर योर इकोनॉमी विल बी गुड और बैड। फिस्कल पॉलिसी का हम पहले थोड़ा सा इनिशियल पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज परस्यू इननंबरेबल पॉलिसीज टू अकम्प्लिश देयर इकोनॉमिक गोल्स। सभी को एक गवर्नमेंट, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होगी अनलेस एंड अंटिल इट इज अ डिक्टेटरशिप या फिर एकदम फेल्ड गवर्नमेंट है। सभी कंट्रीज की जो आप गवर्नमेंट देखोगे, सबका खुद कुछ ना कुछ थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज रहते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों का डेवलपमेंट, रीजन का डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी रखने के लिए, अपना जो है एक्सचेंज रेट। अभी इंडिया में बहुत चल रहा है कि जो यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी रेट है बहुत ज्यादा हाई हो गया यूएसडी, तो अभी गवर्नमेंट कुछ करेगी एक्सचेंज रेट को कम करने के लिए। परसों ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की सभी ऑयल एक्सपोर्टर्स, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कि भाई रुपी पेमेंट लेके हमारी जो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो थोड़ी कंट्रोल करने में मदद करो। ऐसी कई सारी चीजें गवर्नमेंट्स करती है, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज दे कम आउट विद टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली एक गाइड है, एक रोड मैप है, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है वो कहाँ होगी, जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो कैसी होगी, एंड जो बोरोइंग्स है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो क्या पैटर्न के होंगे। ये तीन चार चीजें मिलकर आपकी फिस्कल पॉलिसी एक फिस्कल पॉलिसी का मेन गोल बनती है, एंड वही डिटरमाइन करेगी कि भाई आपका इकोनॉमिक पैटर्न, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके कंट्री में कैसे इंपैक्ट होगी, कैसे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, फिस्कल पॉलिसी उसको डिटरमाइन करेगा। ये जो देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे अपना, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव जो की ऑब्जेक्टिव्स है वो सबके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। क्या है वो, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हर कंट्री यही चाहेगी कि जो उसकी पॉलिसीज है उससे लोगों को मदद मिले एम्प्लॉयमेंट मिलने में। अभी एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी में गवर्नमेंट लिखेगी कि यहाँ पर आ जाओ तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वैसा नहीं होगा। पॉलिसीज जो क्रिएट होगी दे विल बी मेड इन सच अ वे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंट्री में। कब बढ़ेगी, जब बाकी प्राइवेट कंपनीज आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जॉब क्रिएट होंगे। कब आएंगे प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए, जब उनको पता है कि भाई अगर इस कंट्री में मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। कब होगा प्रॉफिट, जबकि मेरी पॉलिसीज अच्छी होगी, जब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव होगी, जब बिजनेस करने में आसानी होगी, तब ये पूरा एक चेन रिएक्शन होगा। एंड ऑल दिस डिपेंड्स ऑन योर फिस्कल पॉलिसी, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। कैसे करेगी प्राइस स्टेबिलिटी, हम नीचे देखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगेन फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी आप जैसे देखोगे
ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग, वर्ल्ड बैंक जो है सबसे जो मेन बैंक है वर्ल्ड का, जो काफी मॉनिटरिंग करता है, काफी सारे पैसे खर्च करता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल बैंक, वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता है हर कंट्री का, हर स्टेट उस कंट्री में. इंडिया में अगर आप देखोगे तो जनरली जो आंध्र प्रदेश स्टेट है दैट जनरली रैंक्स एटलीस्ट पास्ट 3-4 ईयर्स से दैट रैंक्स 1 एंड 2, मतलब उस स्पॉट में रहेगा इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप उस स्टेट में अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हो तो जो स्टार्टअप का प्रोसीजर्स है, जो रजिस्ट्रेशंस है, लैंड अलॉटमेंट है, परमिशंस है, हजारों परमिशन लगती है, ये सब सब फटाफट हो जाएगी. यानी कि आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सब फटाफट आपके स्टार्ट हो जाएंगे. उसके बाद जो रिसोर्सेज है उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो कितने कंड्यूसिव है, वो कितने अच्छे हैं आपके बिजनेस के लिए, ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जजमेंट होता है. एंड दैट इज व्हाट योर फिस्कल पॉलिसी डज, कि एक्सलरेट करती है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कंट्री तो सब एक ही है इंडिया, देन वाई इज आंध्र प्रदेश नंबर 1 एंड सम अदर स्टेट इज नंबर 29? बिकॉज द फिस्कल पॉलिसीज ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टेट्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग व्हेन कंपेयर्ड टू द पॉलिसीज ऑफ योर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. अभी फिस्कल पॉलिसी नेशनल लेवल पे भी हो सकती है, जनरली नेशनल लेवल पे ही होगी फिस्कल पॉलिसी, स्टेट लेवल पे लोकल पॉलिसीज होंगी उनकी, बट ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, की जो डिस्पैरिटी है इनकम की, जो रिच है और पुअर है उनके बीच में जो गैप है वो जितना कम हो सके उतना बेहतर रहेगा. ये आपके एक फिस्कल पॉलिसी की एम होती है या ऑब्जेक्टिव होता है. इंपॉर्टेंस एज वेल एज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है अलग गवर्नमेंट के हिसाब से अलग हो सकती है. एक अमेरिकन गवर्नमेंट जो जो डेवलप्ड नेशन है उसका टॉप प्रायोरिटी रहेगा स्टेबिलिटी, कि जो अच्छा है ऑलरेडी स्टेबल रहे, इक्वालिटी ऑफ इनकम आए. लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है उसका फिस्कल पॉलिसी कैसा रहेगा? कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी कम हो, उस तरीके का फिस्कल पॉलिसी एक डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया का बनेगा. तो देर विल बी अ डिफरेंस. हालांकि की ऑब्जेक्टिव सबके सेम ही है ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे, बट जो प्रायोरिटीज है वो अलग रहेगी, इसलिए जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी थोड़े थोड़े अलग रहेंगे. अभी फिस्कल पॉलिसीज मेजरली अगर आप देखो तो दो टाइप की होती है. एक है आपकी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, एक होती है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज. दोस्तों यहां पर मैंने मार्क कर दिया है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, आप उसको गो थ्रू कीजिए, धीरे धीरे मैं नीचे मूव करूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा समझा देता हूँ एक एक वेरी समराइज फॉर्मेट में, आपको बहुत इजिली समझ में आ जाएगा. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को बार बार इंटरव्यू नहीं करना पड़ता. एक बार उसने पॉलिसी बना दी वो अपने आप चलती रहेगी, एंड जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा वैसे वैसे वो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज होता रहेगा. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पर्सनल इनकम टैक्स. अभी इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पहले भी बताया मैंने, अभी भी बताऊंगा. ये होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्सेशन बढ़ेगा. अगर आपकी इनकम कम है तो कम टैक्स दोगे, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा टैक्स दोगे. ठीक है, अभी रिसेशन हो गया समझिए कंट्री में. रिसेशन मतलब बिजनेस खराब चल रहा है, एकदम सब कुछ लो है, डिमांड सप्लाई सब लो है, पैसे नहीं है लोगों के पास. रिसेशन कम हो गई मतलब पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास मतलब टैक्सेशन कम हो गया अपने आप. अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा था तो मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ता था, अभी रिसेशन की वजह से 5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुझे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, वो अपने आप कम हो गया. अभी जैसे ही वो कम हुआ मेरी स्पेंडिंग पावर बढ़ गई. नाउ दिस हैज हैपेंड ऑटोमेटिकली. गवर्नमेंट नहीं आके बोला कि भाई आप 5 लाख कमाने लगे तो चलो मेरे को 20% दो, या 10 लाख कमा रहे तो 30% दो. गवर्नमेंट सेट कर दी, अब आप जैसे ऊपर नीचे हो गए अपने आप आपके स्लैब रेट्स चेंज होते रहेंगे, टैक्सेशन आपका चेंज होता रहेगा. तो जैसे ही आप नीचे आए अपनी इनकम में ऑटोमेटिकली आपका टैक्सेशन कम हो गया और आपके पास जो पैसे थे वो थोड़े से बढ़ गए. अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि चलो 10% टैक्स तो बचा, कम से कम उसका मैं कुछ खर्चा तो कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ जाके मार्केट में खरीद सकता हूँ. दिस इज हाउ अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम वर्क्स, एंड दिस इज हाउ एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर फिस्कल पॉलिसी वाइज वर्क्स, कि अपने आप ही चेंज हो जाएगी जो पोजिशन है एक पर्टिकुलर पॉलिसी की इम्पैक्ट की. डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी एज द नेम सजेस्ट, गवर्नमेंट कोई फिस्कल पॉलिसी लेकर आएगी, ठीक है, अदरवाइज इट वॉन्ट एग्जिस्ट. बट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब भी नीड है, जब भी रिक्वायरमेंट है तब डिस्क्रिशनरी पॉलिसी आएगी. सी इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक पॉलिसी ऑटोमेटिक हो, देर विल हैव टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज एज वेल. क्या गवर्नमेंट नीड्स टू रिजॉर्ट टू डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसीज?
Discretionary fiscal policy for stabilization refers to deliberate policy action on the part of government to change the levels of expenditure. अभी अपन ने जीडीपी पढ़ा था थोड़े चैप्टर्स के पहले. जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब टोटल जो भी उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर, मतलब खर्चे हुए हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उस पर्टिकुलर कंट्री में, दैट इज योर जीडीपी. अभी जीडीपी किन कंपोनेंट्स का बना हुआ है? जीडीपी बना हुआ है इन चार कंपोनेंट्स का. ये क्या चार कंपोनेंट्स है? सी मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, आई मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एन एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो अगर आपको जीडीपी का इक्वेशन याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चार आइटम्स है ये मिलकर आपको जीडीपी बनाते हैं. अभी डिस्क्रिशनरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस्क्रिशनरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट इन चार कॉम्पोनेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगी. कैसे? जी जो है, जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है गवर्नमेंट. उसको बढ़ाना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कम करना है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो उनके हाथ में है. वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे और स्पेंडिंग ज्यादा कर देंगे या कम कर देंगे. बेस्ट एग्जांपल देता हूं दोस्तों मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अभी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है बनाना मेरे को कंट्री में, तो आई विल इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बड़े बड़े डैम्स बनाऊं या बड़े बड़े हाईवेज बनाऊं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाऊं, अगर अभी पैसे नहीं है तो मैं जरा कम कर देता हूं, नॉर्मल जो जरूरत की चीजें हैं वो बनाता हूं. इन्फ्लुएंस कर दी गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग को. सी आई एंड एन एक्स जो है उसको गवर्नमेंट एटलीस्ट एक मिक्स्ड इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहेगी, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना चाहेगी. कैसे? फिस्कल पॉलिसी लगा के. वो बोलेगी कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इसका टैक्स रेट हाई कर दो. जैसे अभी लग्जरी गुड्स है उनके टैक्स रेट हाई कर दो, जो कॉमन गुड्स है उनके टैक्स रेट लो कर दो. ये सब करके इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी गवर्नमेंट इन चार कॉम्पोनेंट्स को. ये होगा थ्रू डिस्क्रिशनरी पॉलिसी. देर वोंट बी ऑटोमेटिक पॉलिसीज की हाँ अपने आप जैसे मार्केट चेंज हो रहा है ये चार कंपोनेंट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं. जी नहीं, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी का मतलब समराइज करने के लिए, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स मतलब एक पॉलिसी बन गई, अभी वो ऑटोमेटिक चलेगी, चाहे आपका मार्केट जैसा भी मूव हो वो पॉलिसी भी वैसी वैसी मूव होती जाएगी. बेस्ट एग्जाम्पल है पर्सनल इनकम टैक्स. डिस्क्रिशनरी पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट विल मेक एन एफर्ट एक नया पॉलिसी लाने की, एक नया स्कीम लाने की, जिसके वजह से any of these four components will be directly or indirectly impacted to manage the economy. Instruments of fiscal policy. क्या क्या instruments है जिससे कि fiscal policy के साथ government control कर सकती है या change कर सकती है? First है government expenditure as an instrument of fiscal policy. Government expenditure क्या होता है? कितने ही projects, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर थोड़े स्कीम्स हो गए, वेलफेयर स्कीम्स हो गए, फ्री हॉस्पिटल, फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपको सोशल बेनिफिट्स, ये सब सब फ्री फूड सब गवर्नमेंट्स देती है. तो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है. अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, अगर ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ज्यादा लोग बेनिफिट हो रहे हैं. उसका मतलब क्या हो रहा है? जो परचेजिंग पावर है लोगों की बढ़ रही है. उसका मतलब क्या हो रहा है? डिमांड जो है चीजों के लिए वो बढ़ रहा है. उसका मतलब क्या होता है? प्राइस जो है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है प्राइस भी बढ़ रही है. इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशनरी, आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होगा. जहां पे कि पैसे बढ़ने लगेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगेगा. ये एक चेन रिएक्शन हो गया गवर्नमेंट. फिर अभी सेकेंड केस क्या होगा? गवर्नमेंट अगर पैसे कम खर्चे कर रही है तो यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो यानी कि लोगों की कमाई कम हो जाएगी, तो यानी कि लोगों का डिमांड कम हो जाएगा. डिमांड कम हो गया तो प्राइसेस कम हो जाएगी, डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज हो जाएगी मार्केट में, यानी कि इन्फ्लेशन जो है कम होने लगेगा. इट इज दैट सिंपल सुनने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए 150 करोड़ की जनता के देश में वेरी डिफिकल्ट, बट द कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर. अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स करंट एक्सपेंडिचर यानी कि डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इक्विपमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स यानी कि आपके सोशल बेनिफिट्स. ड्यूरिंग रिसेशन इट मे इनिशिएट अ फ्रेश वेव ऑफ पब्लिक वर्क्स. अभी मैं बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों. मैं हैदराबाद में रहता हूँ. हैदराबाद में एक लेक है, हुसैन सागर लेक जिसे कहते हैं, टैंक बंड भी बोलते हैं, सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लेक है, ठीक है. आप अगर कोई हैदराबाद में रहते हो या हैदराबाद आए हो तो आपको पता रहेगा. अभी उसकी स्टोरी ये है, अभी से 450-450 साल पहले जब वो लेक बना था तो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा प्लेग आ गई थी, बीमारी जो महामारी कहते हैं, जो डिजीज हो जाती है एंड एवरीबडी इज अफेक्टेड. एंड फिर उसके बाद लोगों को कुछ काम नहीं था करने को, सब
काम नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो अभी क्या करेंगे? तो क्या किया यहाँ के राजा जो थे, यहाँ के राजा ने क्या किया, सबको बोला कि चलो खुदाई करो, तालाब बनाएंगे, लेक बनाएंगे। उससे क्या हुआ, पब्लिक वर्क एक क्रिएट किया। अभी पब्लिक वर्क फ्री बैठे बैठे भी खिला सकते थे, लेकिन फ्री बैठ के अगर आप खिलाओगे तो फिर तो आपकी जनता हो गई, देश हो गया खत्म। तो उसने बोला चलो खुदाई करो, वो खोदने लगे और एक तालाब बन गया। चलो तालाब बन गया तो वो वाटर का जरिया भी बन गया, पानी पीने के लिए जब बारिश गिरती तो उसमें तालाब में पानी रहेगी और उसको ही हम पिएंगे, तो वो फायदा हो गया सिटी को। और लोगों को काम मिला, लोगों को काम मिला तो लोगों को पैसे मिले, पैसे मिले तो उन्होंने खर्चा करना चालू किया, एंड द एंटायर मार्केट स्टार्टेड वापस अपलिफ्टिंग। रिसेशन जो था वो वापस से खत्म हो गया। ये एक गवर्नमेंट टैक्टिक हो गया, पब्लिक वर्क। जैसे अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करवाएगी, अभी मनरेगा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो आप देखते हो, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रूरल रूरल गारंटी प्रोग्राम, ऐसा ही कुछ है उसका फुल फॉर्म, सॉरी। तो अभी उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि चलो आप छोटे छोटे काम करो, दीज आर ऑन अनस्किल्ड लेबर्स। वो क्या बोलेगा, खुदाई करो, गड्ढे भरो, प्लांट लगाओ, ये सब छोटे मोटे काम देगी गवर्नमेंट और आपको डे टू डे पैसे दे देगी। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। अगर रिसेशन है, गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, लोग खरीदना चालू करेंगे, प्रोड्यूसर्स बनाना चालू करेंगे, आपकी मार्केट फिर ऊपर आ जाएगी। दीज एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली जनरेट इनकम टू लेबर एंड सप्लायर मटेरियल्स एंड सर्विसेस। सीधी सी हिसाब है। द प्रोग्राम ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट विल स्ट्रेंथन द जनरल कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेसमैन। अगर अभी गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिवली कोई प्रोग्राम कर रही है टू स्ट्रेंथन द जो अपना एक्सपेंडिचर है, पब्लिक को स्ट्रांग बनाने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट्स पीपल एंड अबाउट इट्स इकोनॉमी। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे यार गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, यानी कि अगर गवर्नमेंट पैसे लगा रही है तो अपने भी पैसे लगाएंगे तो पैसे सेफ है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कल बंद हो जाएगी, भाग जाएगी और हम डूब जाएंगे, चांसेस कम है। तो प्राइवेट लोग भी पैसा डालना चालू करेंगे, प्रोडक्शन चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। अभी इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है? ये जो पैसा गवर्नमेंट डालती है इसमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ध्यान से सुनिए। एक है पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा डालने लगती है ओनली टू मोटिवेट दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, की गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, देख के प्राइवेट इन्वेस्टर भी पैसा डालेगा एंड धीरे धीरे गवर्नमेंट विल स्टॉप स्पेंडिंग एंड प्राइवेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड द इकोनॉमी विल स्टार्ट रनिंग। दिस इज पंप प्राइमिंग, यानी कि एक बार आप पंप कर रहे हो, जो सक्शन, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको निकाल के आप पैसे डाल रहे हो ताकि गवर्नमेंट आ जाए, ताकि जो इकोनॉमी है अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सेकेंड होता है कंपनसेटरी स्पेंडिंग। कंपनसेटरी स्पेंडिंग का मतलब ये है, गवर्नमेंट को मालूम है कि प्राइवेट स्पेंडिंग नहीं आने वाली, प्राइवेट कुछ भी नहीं होने वाला, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देने वाली प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो मुझे ही स्पेंडिंग करना पड़ेगा और मुझे ही उनको काम देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटरी स्पेंडिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक बार ये फटाफट पढ़ लीजिए पॉज करके। अब सेकंड पॉलिसी पे, सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं, टैक्सेस। तो मैंने आपको बताया दोस्तों टैक्सेस कैसे यूज करती है गवर्नमेंट। अभी दो टाइप के टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे यूज करेगी उसको एज अ पॉलिसी, अभी समझ लो गवर्नमेंट को मार्केट में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो टोटल डिमांड है वो बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रिड्यूस कर देगी। टैक्स रिड्यूस कर देगी तो क्या होगा, आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे हाथ में, पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो आप खर्चे ज्यादा करोगे, खर्चे ज्यादा करोगे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो आपका इकोनॉमी में पैसे बढ़ेंगे। सेकेंड चीज क्या कर सकती है गवर्नमेंट, टैक्सेशन इंक्रीज कर देगी। टैक्सेशन इंक्रीज कर देगी, आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो गए डिमांड कम हो गया। अभी मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, पेट्रोल डीजल जो अपना गैस है, पेट्रोल डीजल जो है, कभी कभी गवर्नमेंट, इनफैक्ट इंडिया में नहीं नेपाल की एग्जाम्पल लूंगा, जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई रखती है, जानबूझ के गाड़ियों का प्राइस बहुत हाई रखती है। नेपाल में अगर आप जानते हो, जो इंडिया में अगर एक पल्सर बाइक 1 लाख में मिलती है तो नेपाल में वही चीज 2 लाख या 3 लाख रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो देश के पास पेट्रोल डीजल नहीं है, ना ही उनके पास उतने पैसे हैं कि पेट्रोल और डीजल खरीदे हम। काफी सारी कंट्रीज का यही प्रॉब्लम है दोस्तों, पेट्रोल और डीजल खरीदने में ही उनकी पूरी इकोनॉमी भ्रष्ट हो जाती है, बैठ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते। इंडिया में भी अगर आप देखें, अगर कल पेट्रोल का प्राइस 40 हो गया, सभी कोई गाड़ी खरीद लेंगे, इतनी जगह कहाँ है गाड़ियों को चलाने के लिए, एंड द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू कीप इंपोर्टिंग ऑयल। ऑयल दे खरीदते रहेंगे, US डॉलर्स देते रहेंगे, अपना तो
12 बज जाएंगे अपने इकोनॉमी के, इसलिए टैक्सेशन यूज करती है गवर्नमेंट टू कंट्रोल कि भाई डिमांड कम करो इन चीजों का, जिससे मेरे इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उसका डिमांड कम करो, टैक्स बढ़ाओ। इसलिए तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी इतनी हाई है, आपका वैट स्टेट वैट लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, सब कुछ लगेगा पेट्रोल के ऊपर। दैट इज व्हाई इट इज टचिंग 90 रुपीज 100 रुपीज अभी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑल्सो टू स्टॉप people from overspending because it will burden the economy. That is how government use tax as an instrument of fiscal policy. Again, जो मार्क किया है मैंने आप पढ़ लीजिए फटाफट, आपके पास मटेरियल भी है, फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, उसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक डेट क्या होती है? गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है। कैसे पैसा लेती है? अगर मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ क्रिएट करना है, तो आपने सुना होगा गवर्नमेंट विल गिव यू और विल सेल इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स, यानी कि आप एक बार के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग दे रहे हो कि भाई मैं 10,000 का बॉन्ड खरीदूंगा, आप 10,000 रुपए लो, उससे ब्रिज बनाओ। मैं एक अकेला नहीं दूंगा, ऐसे लाखों लोग देंगे 10,000 रुपए। उसमें बेनिफिट क्या होगा? गवर्नमेंट मुझे एक इंटरेस्ट रेट दे देगा, थोड़ा इंटरेस्ट देगा, टैक्स में सेविंग दे देगा, तो मैं भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, दोनों को पैसा मिल गया। अभी पैसा मेरा मेरा मेरे हाथ से पैसा कम हो गया, गवर्नमेंट इज यूजिंग इट टू स्पेंड, बट मेरे हाथ से पैसा कम हो गया। सिमिलरली थोड़ा गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सेविंग्स करो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो आपका एनएससी होता है, नेशनल सेविंग स्कीम, या और कोई, यहाँ पे जैसे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एनएससी, नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, ये सबसे क्या होता है, छोटे 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 इन्वेस्टमेंट आप हर महीने करोगे, गवर्नमेंट को पैसे मिलते जाएंगे। गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे तो वो पैसे खर्चा करेगी, खर्चा करेगी तो आपके पास पैसे इनडायरेक्टली ज्यादा आएंगे, एंड आप पूरे इकोनॉमी को डिमांड जो है वो बढ़ाओगे। वेरी सिंपल, कुछ है नहीं, खाली आपको जनरल नॉलेज, आपका कॉमन सेंस लगाना है इन टॉपिक्स में, और कुछ भी नहीं है। बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बजट मतलब आप देखते हो साल में, अभी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, हाँ अरुण जेटली जी है, बीच में पीयूष गोयल थे, अभी अरुण जेटली जी शायद वापस आ गए, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पढ़ेंगे अपना, उसमें अलग अलग पॉलिसीज निकलेगी, उसमें वो बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है। तो सरप्लस या डेफिसिट क्या होता है? तीन टाइप के बजट्स हो सकते हैं, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड मतलब, बजट मतलब जितना गवर्नमेंट का खर्चा था उतना ही उसका इनकम था, बैलेंस हो गया। सरप्लस बजट मतलब जितना गवर्नमेंट का खर्चा था उससे ज्यादा उसकी इनकम थी, सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट मतलब जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था उससे कम उसकी इनकम थी, डेफिसिट बजट। इंडिया में डेफिसिट बजट रहेगी, सरप्लस बजट मुश्किल है, क्योंकि भाई खर्चे हमारे ज्यादा है, जो सोर्स है अर्निंग का गवर्नमेंट को काफी कम है। अभी ये जो पॉलिसीज है, बजट जो है वो कैसा यूज करेगी गवर्नमेंट, अभी यहां पर अगर आप पढ़ें नीचे जो ये वाला पैराग्राफ है ये, अब बजट सरप्लस दैट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मोर देन इट स्पेंड्स, दो साउंड्स लाइक अ हाईली अट्रैक्टिव वन, हैज इनफैक्ट अ नेगेटिव नेट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड सिंस लीकेजेस एक्सीड इंजेक्शंस। मुझे पता है आप ये लाइन पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, अगर गवर्नमेंट का बजट सरप्लस है, यानी कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे हैं, उसके खर्चे कम है, ज्यादा पैसे कब होंगे, जब टैक्सेस आपसे ज्यादा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, टैक्सेस अगर ज्यादा कलेक्ट कर रही है तो आपके पास पैसे क्या हुए, कम हो गए, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, मैं तो सब गवर्नमेंट को दे रहा हूं, मेरे पैसे कम हो गए तो डिमांड क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, बस वही दे रहा है। इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन नेट इफेक्ट, नेगेटिव नेट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, लोग डिमांड मतलब खरीदना ही बंद कर देंगे क्योंकि सब पैसे तो टैक्स में लग जा रहे हैं। That is what it simply means. Reverse होगा अगर deficit budget है तो, अगर deficit budget है तो government spend ज्यादा कर रही है, आपके पास पैसे ज्यादा है, यानी कि positive effect on aggregate net demand. अभी अगर deficit budget है तो यानी कि आपकी देश पे भार है, आपके देश पे debt है, अगर surplus budget है तो आपका जो national debt है वो surplus budget से कम हो जाएगा, budget surplus reduces national debt, जो लोन लेके रखी है, जो नेशनल डेट है, अगर पैसे ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो सेट ऑफ होगा और कम हो जाएगा, एंड अगर बजट डेफिसिट है तो नेशनल डेट पे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बर्डन पड़ेगा। दैट इज योर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सिंपल है दोस्तों, बहुत इजी है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया नीचे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा एट दी अर्लीस्ट आपको रिस्पॉन्ड करने का। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, अभी अलग अलग टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है, दो मेजर टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसीज बता देता हूं मैं, एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। वेरी सिंपल, नीचे बहुत इंग्लिश लिखा है, बहुत ज्ञान लिखा है, अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा है वही चीजें हम वापस से यहां पर पढ़ने वाले हैं एक डिफरेंट तरीके में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप जरूर समझिएगा।
अभी ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसी एक समरी में पढ़ा देता हूँ। किधर गया? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शनरी फेज, बेसिकली रिसेशन के टाइम। अभी ठीक है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। पहले थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। हाँ, यही है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? अभी रिसेशन है आपकी कंट्री में। रिसेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? डिमांड जीरो है या कम है। डिमांड नहीं है तो सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा। अभी कोई भी कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है तो गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी? गवर्नमेंट भी पैसा नहीं कमा रही। सब कुछ ठंडा, सब कुछ मंदा। अभी पैसे कहां से आएंगे आपके पास? पैसे तब आएंगे जब गवर्नमेंट एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाएगी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? ऐसी पॉलिसी जिससे कि गवर्नमेंट पैसे डालेगी इकोनॉमी के अंदर, यानी कि ऐसी पॉलिसी जिससे कि लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा खर्चा करने को। जैसे कि क्या? टैक्स रेट कम कर दिया। टैक्स रेट कम कर दिया, आपके पास पैसे ज्यादा हो गए। आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, आप खर्चा करने लगे, इकोनॉमी हो गई एक्सपैंड। दैट इज योर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। अभी मैं देख रहा हूं कुछ अगर आपको एग्जाम्पल मिले, ये सब याद रख लीजिएगा दोस्तों। और रिसेशनरी गैप इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रेक्शनरी गैप। इट सेड टू एग्जिस्ट इफ एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन इज लेस देन व्हाट वुड बी प्रोड्यूस इफ विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो बेसिकली क्या बोल रहा है? आई हैव आइडल रिसोर्सेज। मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो पूरे यूज ही नहीं हो रहे। अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें मैं 1000 गाड़ियां बना सकता हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ। 10,000 की जगह मैं 100 गाड़ियां बना रहा हूँ क्योंकि डिमांड ही नहीं है उसका। दैट इज वेन योर कॉन्ट्रेक्शनरी फेज और रिसेशन गैप हैज अकर्ड। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, दो दो चार चार मार्क के लिए आ सकते हैं। आप याद रखिए, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है कॉन्सेप्ट में। तो इससे बेसिकली यही बता रहा है भाई कि गवर्नमेंट क्या करेगा। गवर्नमेंट ट्राई करेगी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने की इस फेज में। इस फेज में होगा क्या? रिसेशन में कंपनीज जो है फायर करने लगेगी लोगों को। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास काम नहीं है। काम नहीं है तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो सैलरी कहां से देगी? आदमी की जरूरत क्या है? निकलो। अभी निकल गए तो फिर उनके पास पैसे आएंगे कहां से? इसलिए गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको कम करे। रिसेशन विल ऑलवेज लीड इन हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बट द गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज मनी टू एंश्योर कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े एंड लोगों को काम मिले ताकि उनको पैसा मिले। एक ये फिगर है दोस्तों। फिगर मैं आपको, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। इसको समझे समझे तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है। इसको आप खाली याद रख लें कि कैसा ये फिगर बन रहा है। नीचे एक बार रीड कर लें आपके मटेरियल में जाकर कि ये फिगर डिपिक्ट क्या कर रहा है। बेसिकली फिगर यही बता रहा है कि जो डिमांड और सप्लाई है वो गवर्नमेंट कैसे बढ़ा रही है एक्सपेंशनरी पॉलिसी में। हाउ इट इज मूविंग योर डिमांड फ्रॉम AD1 टू AD2 एंड सप्लाई इज मूविंग फ्रॉम SAS1 टू SAS2 टू SAS1, जो इक्विलिब्रियम में है Y2, उसको मीट करने के लिए, जो आपको परफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई पोजिशन है उसको मीट करने के लिए। मेरे हिसाब से आप जो नीचे इंग्लिश लिखी गई है उसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जो है भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डायग्राम दिमाग में रख लीजिए एंड जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आप वो कॉन्सेप्ट लिखोगे तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये आप खुद से एक बार पढ़ेंगे अपने बुक में से जाकर। बेसिकली ये पूरा यही बता रहा है कि कैसे गवर्नमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल को डिमांड को इंक्रीज करेगा। रिसेशन में डिमांड कम चल रहा है तो सप्लाई भी कम चल रहा है। कैसे गवर्नमेंट पैसे डालेगा, इन्फ्लेट करेगा, पैसों को चैनल करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा जिससे कि डिमांड शिफ्ट हो जाए AD1 से AD2 को। उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से सप्लाई भी शिफ्ट होगी और दोनों का इक्विलिब्रियम बन जाएगा। बस यही बोल रहा है ये पूरा जो डायग्राम है और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई डोंट नो एग्जाम में आएगा या नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अ पर्टिनेंट क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम वेयर विल द गवर्नमेंट फाइंड रिसोर्सेज टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर। भैया गवर्नमेंट के पास कोई पैसे छापने की मशीन तो नहीं है। है पैसे छापने की मशीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छापते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा, पैसा भी दोस्तों बुलियन जो है, गोल्ड जो है, गोल्ड रिजर्व्स को रख के पैसा प्रिंट हुआ जाता है। इफ यू डू नॉट हैव गोल्ड रिजर्व्स एंड यू गो ऑन प्रिंटिंग मनी देन यू विल हैव हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे कि कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, जिम्बाब्वे। वेनेजुएला में अभी कितना 1,00,000% जो है इन्फ्लेशन चल रहा है। जिम्बाब्वे ने तो अपनी करेंसी ही बंद कर दी क्योंकि उसकी $1 वॉज इक्वल टू सम 1 मिलियन, 2 मिलियन या 10 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर।
यानी कि करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि वो प्रिंट करते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं बच रहा। तो बेसिकली रिसेशन में गवर्नमेंट खुद को फंड कहां से करेगा? गवर्नमेंट अभी टैक्सेस तो बढ़ा नहीं सकता, टैक्सेस बढ़ा दिया तो उसका मोटिव जो था वही डिफीट हो गया। उसका मोटिव था आपके हाथ में ज्यादा पैसे देना। अगर टैक्सेशन बढ़ा के आपसे ही पैसे वसूल रहा है तो आपके हाथ में कैसे ज्यादा पैसे आएंगे? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी। बोरोइंग इट इज बैड फॉर द गवर्नमेंट, इट इज बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, बट द गवर्नमेंट हैज नो अदर चॉइस बट टू बोरो। फाइनेंस खुद को करना चाहेगी, वो लोन लेकर या फिर कोई और ऐसी चीजें डेफिसिट बजट के लिए जाएगी कि भाई ठीक है मैं लोन ले रहा हूं लोगों से, बैंक से, यही जो बॉन्ड्स है, सर्टिफिकेट है, ये सब करके मैं लोन लूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट स्पेंडिंग इट ऑन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड आर गोइंग टू जनरेट मोर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। बेसिकली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस वाला पॉइंट है जो अपने को स्ट्राइक ही नहीं होगा कि यार गवर्नमेंट पैसे लाएगी कहां से। छाप सकती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अनलिमिटेड छापेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसी। सेम ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं इसके ऊपर। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब इतना पैसा है लोगों के पास, अनाप शनाप डिमांड किए जा रहे हैं। अब डिमांड किए जा रहे हैं लेकिन सप्लाई करने को रिसोर्सेज ही नहीं है। योर रिसोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग एट फुल कैपेसिटी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, इतना नहीं है गवर्नमेंट के पास कि आपका डिमांड इस इकोनॉमी के पास कि आपका अनरीजनेबल डिमांड भी मेंटेन कर सके। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो बेसिकली गवर्नमेंट बोलेगी रुको बेटा अभी मैं तुमसे पैसे ले लेता हूँ, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, थोड़ा पैसा मुझे दे दो, चलो टैक्स बढ़ा दो 20% का, 30% टैक्स पे करो, तुम इतने पैसे हैं खर्चा मत करो मुझे दे दो। इससे क्या होगा, आप बोलोगे यार गवर्नमेंट को ही मैं 30% दे दे रहा हूँ पैसे, मेरे पास तो पैसे बच ही नहीं रहे। नहीं नहीं फालतू के खर्चे नहीं करेंगे, थोड़ा खर्चा कम करेंगे जितनी जरूरत है। कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो अभी कम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जो जो यहां तक पहुंचे हैं इस वीडियो में देख रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो अभी एक लाइक बटन हिट कर दीजिए और नीचे प्लीज कमेंट कर दीजिए कि थैंक यू सर अंडरस्टैंडिंग या जो भी आपका मन करे, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। ये है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्सेस, कॉन्ट्रेक्शनरी फेज में फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगा। ये फिर से वही सेम डायग्राम आ गया, प्लीज एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए दोस्तों जो जो एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है उसका एम यही होता है कि एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी बनाए जो कि लॉन्ग रन में आपके कंट्री को बेनिफिट करे। अगर मैं ये जो ऊपर पॉलिसीज बताया हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी, ये सब सब शॉर्ट टर्म पॉलिसी ज्यादा है कि भाई चलो एक बार इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था तो कॉन्ट्रैक्शनरी कर दिए, एक बार थोड़ा पैसे बढ़ाने थे तो एक्सपेंशनरी कर दिया, ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती क्योंकि ये सब सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। अगर यही कंटिन्यूस चलता रहेगा तो मेरी इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है जब एक गवर्नमेंट को माइंडफुल एक्सपेंडिचर करना। कैसी चीजों में एक्सपेंडिचर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, आप आपके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ाओ। उससे क्या होगा, उससे लोगों को एक सुविधा मिलेगी। अभी सिंपल चीज है, जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, व्हाई इज जर्मनी सो डेवलप्ड। अगर आप वहां पर देखोगे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू रिक्वायर टू डू अ बिजनेस। आपको रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, छोटी सी कंट्री में आपको प्लेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपके जो रोड्स हैं बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं, आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज अनबिलीवेबल। एक छोटे से गांव में, मैं जर्मनी जब गया था एक छोटे से गांव में मैं देख रहा हूँ बसेस भी चल रही है, ट्राम भी चल रही है और लोकल ट्रेन भी चल रही है। उस गांव की पॉपुलेशन थी यार 1 लाख लोग, 50,000 लोग, 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच उसमें ये सब सब कुछ चल रहा है। अपने यहाँ तो शहरों में नहीं चल रहा है यार ये सब, जहां पर 50-50 लाख की पॉपुलेशन है वहां 1-1 लाख के लोगों के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कंपनीज होंगी खुश कि चलो भाई जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। अभी मैं एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको जर्मनी का ही। वहां पर मैंने देखा लोग सब रहते हैं गांवों में, आसपास के गांवों में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का एक एरिया बना दिया है, वहां पर ही फैक्ट्री है, लोग वहां से रोज ड्राइव करके आते हैं। अभी इंडिया में अगर मुझे 60 किलोमीटर रोज ड्राइव करना है एक शहर में तो कितना टाइम लगेगा, मुझे लगेगा 4 घंटे आने में, 4 घंटे जाने में, जो सिटीज की ट्रैफिक की हालत है। वहां पर लोगों को 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर लेते हैं।
इससे क्या होता है, इससे कहीं पे भी आदमी है वो आएगा आपके पास काम करने के लिए, मोबिलिटी बहुत इजी हो गई। तो जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है उसको लगेगा यार मोबिलिटी तो बहुत अच्छी है, अगर आदमी आ सकता है तो रॉ मटेरियल भी आ सकता है क्योंकि पब्लिक कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है ट्रेन की प्लेन की, तो मैं अपना इंडस्ट्री सेटअप करूंगा। एजुकेटेड लोग हैं क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर पैसा फंड कर रही है, एजुकेशन फ्री एजुकेशन कर रही है लोगों बच्चों का, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, इसके वजह से क्या हो रहा है दिमाग जो है सबका एकदम इंटेलिजेंट है, वो लोग जाकर आगे बढ़कर इंजीनियर या डॉक्टर या अकाउंटेंट जो भी है वो बेस्ट इन क्लास बन रहे हैं और फिर वो इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। पूरा साइकिल है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी। भैया आप दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखोगे दे आर मच एडवांस्ड, इंडिया में इतना मैन पावर है इतना पॉपुलेशन है बट इवन नाउ वी आर स्ट्रगलिंग टू हैव सम स्ट्रेंथ क्योंकि अपनी कोई प्लानिंग थी ही नहीं आज तक। दैट इज द की प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो कि एक अच्छे कंट्री को समझ के जो इकोनॉमी अच्छी होती है वो आगे का कभी भी प्लान करेगा। फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्ञान हो गया दोस्तों पता है, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है समझने के लिए। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है कि जितना आप जनरल डिस्कशन करोगे ना, बिकॉज इट इज एवरीवेयर, इकोनॉमिक्स इज आप जो देख रहे हो सब इकोनॉमिक्स ही है। यहाँ पर अपन थोड़े टर्म्स पढ़ रहे होंगे, डिमांड सप्लाई एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी, ये सब सब सुनने में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बट इट इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल कंट्री, इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अभी फिस्कल पॉलिसी अगेन ये घूम फिर के एक ही चीज बोलेगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो गरीब है वो कम टैक्स पे करेगा, इससे क्या होगा इनइक्वालिटी जो है कम हो जाएगी। सेम इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो लग्जरी गुड्स है उन पर 28% जीएसटी लगेगा, जो मैंडेटरी गुड्स है उन पर 8% 9% जो भी है वो जीएसटी लगेगा, यानी कि कम जीएसटी एक में ज्यादा जीएसटी एक में। जो इनकम ज्यादा लोगों की है जो एक्सपेंसिव चीजें खरीदती है वो ज्यादा जीएसटी पे करेंगे, जो बेचारे गरीब लोग हैं जो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज खरीदते हैं वो लोग कम जीएसटी पे करेंगे। ये हो गया एक तरीका आपके इनइक्वालिटी कम करने का। दूसरा तरीका होता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यही जो आप देखते हो आपके डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर स्कीम जो है सर वो कौन से है, एक सर्व शिक्षा अभियान एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सब एलिवेशन प्रोग्राम्स ही हैं जो अलग अलग बहुत सारे, मैं तो दो तीन का एग्जांपल ले रहा हूँ बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चलाती है फार्मर्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अनएजुकेटेड लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। इससे क्या होता है, इससे इनइक्वालिटी थोड़ी कम होती है, जो आदमी कुछ नहीं कमाने वाला था वो कम से कम महीने का 5,000 रुपया कमाता है। वापस सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका इम्पैक्ट कुछ होता इतना इजीली नहीं होता क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे इंडिया में एक तरफ अंबानी जी का घर है और नीचे वहीं पे झोपड़पट्टियां भी है। इनइक्वालिटीज हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट होगी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि भाई सब एलिमिनेट हो जाए और सब इक्वल आ जाए। थोड़े कंट्रीज में कम इनइक्वालिटी है, थोड़े कंट्रीज में ज्यादा इनइक्वालिटी है, लेकिन इनइक्वालिटी तो है ही। गवर्नमेंट जितना मन बन सके उतना करती है, जो सोशल प्रोग्राम है अभी लोगों को फ्री घर देगी, फ्री एजुकेशन देगी, सब्सिडाइज मेडिकल केयर देगी, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि भाई चलो उनके खर्चे पैसे ना हो तो हम उनको हेल्प कर देते हैं। लास्ट टॉपिक आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई एक चीज बढ़ाया एक चीज कम किया और सब सेट हो गया, वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, अभी जो रिसेशन है दोस्तों, रिसेशन ऐसा नहीं है कि बोल के आएगा कि हेलो मैं आने वाला हूं एक साल के बाद। इंडिकेशंस रहेंगे इकोनॉमी में रिसेशन के, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। कि ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे पता लग गया एक साल पहले कि एक साल बाद रिसेशन आने वाला है, मैं रेडी होके बैठ गया। अभी आप अमेरिका का एग्जाम्पल देख लो, 2008 में जो रिसेशन आया, सिग्नल्स थे, वार्निंग सिग्नल्स थे, लेकिन रातों रात इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, एक ही दिन बैंकक्रप्ट हुआ बैंक और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इट इज डिफिकल्ट टू रीड सच सिग्नल्स इन नॉर्मल कोर्स। कौन पेसिमिस्ट रहेगा जो बोलेगा अरे रिसेशन आने वाला है रिसेशन आने वाला है, कोई भी नहीं बोलने वाला है। इसको बोलते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन लैग, कि जब तक मेरे को पता चलता है कि रिसेशन आने वाला है वो ऑलरेडी आ चुका होता है एंड ऑलरेडी वो लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके होते हैं। उसके बाद मैं पॉलिसी सोचूंगा कि बनाऊं कि नहीं, तब होगा डिसीजन लैग। इंडिया जैसी कंट्री में ऐसे ही कोई पॉलिसीज नहीं बनते, ये सब पॉलिसीज तो और भी नहीं बनेंगे, डिसीजन लैग हो जाता है। गवर्नमेंट सोचती है कौन सा पॉलिसी बनाऊं, कैसे पॉलिसी बनाऊं, किससे कंसल्ट करूं, तब तक और टाइम निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाता है आपका इंप्लीमेंटेशन लैग।
पॉलिसी तो बना दी मैंने, अभी उसे इम्प्लीमेंट भी तो करना है, वो भी धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि ऑफिसर्स को मालूम नहीं करना क्या है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, वो ऑलरेडी दुखी है, उसके ऊपर आप कुछ पॉलिसी लाए हो जो उनको समझ में नहीं आ रहा, इम्प्लीमेंटेशन लैग। उसके बाद इम्पैक्ट लैग, आप अच्छी पॉलिसी ला दिए हो, आप इम्प्लीमेंट भी कर दिए हो, अभी उसका इम्पैक्ट रातों रात तो होगा नहीं ना, ऐसा नहीं होगा कि कल ही सब कोई अमीर बन गए और परसों से सबने खरीदारी शुरू कर दी, तरसों से आपका जो इकोनॉमी है वापस रोड पे आ गया, वैसा तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, इमीडिएट कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत लंबा प्रोसेस है वो। तो रिसेशन जब भी आता है ऐसा नहीं होता कि भाई 6-8 महीने में आके खत्म हो गया, वो 4-5 साल तो कोर रिसेशन रहता है, उसके बाद रिकवरी में। अब जाके एक अमेरिका की इकोनॉमी, अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा 2008 या 2007 के बाद, अभी जो यूएस की इकोनॉमी है उसको स्टेबिलिटी का वो रेटिंग या जो भी कुछ होता है वो कुछ मिला है कि नाउ द इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज प्रोग्रेसिव। हाँ, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी अब बनी है 10 साल के बाद जाके, वो भी यूएस जैसी कंट्री। तो आप सोच सकते हो छोटी कंट्रियों का रिसेशन में क्या हालत होता होगा। फिस्कल पॉलिसी चेंजेस मे बी टाइम बैडली। अभी होता क्या है, अभी आप फिस्कल पॉलिसी बहुत लेट ला रहे हो, अपने आप मार्केट ऑलरेडी उठने लगा है, वो एक साइकिल जो है आपने पढ़ा होगा बिजनेस साइकिल, वो साइकिल में रिसेशन ऑलरेडी आ गया, अभी वापस रिकवरी हो रही है, उसमें आप फिस्कल पॉलिसी ला रहे हो तो आपके टाइमिंग फालतू यूजलेस है, वो इन्फ्लेशन और बढ़ा देगा। डिफिकल्टीज इन इंस्टेंटेनियसली चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी गवर्नमेंट के पॉकेट भरे हुए तो है नहीं पैसों से कि चलो एक्स्ट्रा खर्चा करना है चलो करो 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 करो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली मैं पैसा विड्रॉ करूंगा मार्केट में से। अभी हेल्थ केयर स्कीम चला रहा हूँ गरीबों के लिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि रातों रात चलो बंद करो मेरे पास पैसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाना है, सब पैसा विड्रॉ कर लो, वो भी नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली जब कोई बड़े बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स बन रहे हो। अभी एक डैम बन रहा है, डैम में करोड़ों रुपए खर्चे होंगे, अभी आप उसको आधा बना के छोड़ दोगे, इट्स डिफिकल्ट ना। हाईवे बन रहा है, हाईवे को आधा बना के आपने छोड़ दिया, गवर्नमेंट के नॉट डू दैट, फंडिंग नहीं खींच सकती सब चीजों में, कुछ चीजें जरूरी होती है, बेसिक्स होती है जो करना ही पड़ता है। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज देर आर डिफिकल्टीज ऑफ फोरकास्टिंग, मैंने जो आपको बताया कब इन्फ्लेशन होगा कब डिफ्लेशन होगा, फोरकास्टिंग बहुत डिफिकल्ट है इन अ रियल इकोनॉमिक सिचुएशन। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट सर्टन फिस्कल मेजर्स विल कॉज डिस इंसेंटिव्स। एट पॉइंट जो है, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स टैक्स में एडवर्सली अफेक्ट द इंसेंटिव्स ऑफ फर्म टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, मैं टैक्स इंक्रीज कर दिया, टैक्स इंक्रीज करते ही बिजनेस बोलेगा अभी साला 50% टैक्स क्यों दूं यार, मैं 50% टैक्स मैं नहीं दूंगा भाई, मेहनत मैं करूं, टैक्सेशन तुम ले जाओ, मैं करना ही नहीं बिजनेस, मैं बंद करके चले जाऊंगा और दूसरी कंट्री में। अभी फिस्कल पॉलिसी तो आपने बना दी लेकिन उसका हो गया एडवर्स इंपैक्ट, ये एक डिसएडवांटेज है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग क्रिएट्स परपेचुअल बर्डन। ओ, मेरा परदादा भी लोन में था, मेरा दादा भी लोन में था, मेरे पापा भी लोन में है, मैं भी लोन में हूँ, आगे वाली 7 पुश्तें भी लोन में चल रही है। इंडिया में ये प्रॉब्लम होता है, फार्मर जो है बेचारे, वो एक कोई जमाने में लोन लिया होगा जो लैंडलॉर्ड था उससे लोन लिया होगा, उसकी 7 पुश्तें अभी तक लोन चुकाई नहीं पा रही है क्योंकि उसका इंटरेस्ट इतना हाई हो गया। वैसे ही होता है गवर्नमेंट के साथ, एक बार आप लोन लेने लगते हो, आप लोन लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, डेफिसिट बढ़ता जाएगा, लोन कभी खत्म ही नहीं होगा, देश पे बर्डन और बन जाएगा, डिफिकल्ट। ये सब है थोड़े चैलेंजेस जो है फिस्कल पॉलिसी के, जीना पड़ता है गवर्नमेंट को। योर इकोनॉमिस्ट हैव टू बी वेरी स्मार्ट समझने के लिए कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे फिस्कल पॉलिसी बनाएं, कितने टाइम फ्रेम के लिए बनाएं, कितना इंपैक्टफुल बनाएं, कितना इनडेप्थ बनाएं, ये सब सब एक इकोनॉमिस्ट को सोचना पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, बहुत क्रिटिकल जॉब है, क्योंकि एक डिसीजन आपका अगले 50 साल डिटरमाइन कर सकता है कंट्री का कि अच्छे होंगे या खराब होंगे। दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट एन इकोनॉमिकल पॉलिसी और अ फिस्कल पॉलिसी कैन हैव। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों नीचे, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि आ भी सकता है ये एग्जाम में। क्राउडिंग आउट का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, ठीक है, रिसेशन से उठाने के लिए गवर्नमेंट विल स्टार्ट स्पेंडिंग मनी। अभी गवर्नमेंट जब स्टार्ट करती है स्पेंडिंग मनी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स डर जाएंगे, क्राउड आउट हो जाएंगे, यानी कि इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उससे वो कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट अगर फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चालू कर दी सबको तो प्राइवेट हेल्थ केयर में आप जाके क्यों पैसा दोगे? तो प्राइवेट तो टेंशन में आ जाएगी कि भाई नहीं, हम तो ये टच नहीं करेंगे। अभी आप सोचो एयर इंडिया की फ्लाइट्स अगर कल सिर्फ बोलेगा 1500 रुपए ओनली, उसके आगे आपको कोई खर्चा नहीं है, 1500 रुपए में आपको कहीं से भी कहीं की टिकट मिल रही है,
विल यू गो इन एनी अदर एयरलाइन? यू विल प्रोबेबली नॉट गो, बिकॉज एयर इंडिया सब 1500 रुपए में दे रही है हर दिन टिकट. उससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे भाई साहब? प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि 1500 में मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता बेचना अपने टिकट, लॉस में आ जाऊंगा, मैं इन्वेस्ट करना ही बंद कर देता हूं, मेरी दुकान बंद है. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो इकोनॉमी का सेल्फ करेक्शन है, सेल्फ करेक्शन जो आएगा इकोनॉमी में वो नहीं होगा. देन इट विल बिकम डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट फंडिंग करेगी तभी इकोनॉमी चलेगी. जिस दिन गवर्नमेंट फंडिंग बंद की, इकोनॉमी बंद हो गई. दैट इज नॉट द राइट वे टू रन दी इकोनॉमी. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दैट इज वॉट इज मेंट बाई क्राउडिंग आउट. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है. सो बेसिकली दोस्तों, जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको समझा दिया है अभी 35-40 मिनट में, समझे हैं हम पूरी क्लास में, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है. उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज. एंड नेक्स्ट क्लास के साथ मैं एज सून एज पॉसिबल वापस अपलोड करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास को भी. देखते रहिए मेरा चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. सी यू वंस अगेन. ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए और खत्म कीजिए.